अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना, यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू गोश, चिकन आलू यानी के। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, आधा किलो आलू, दो अदद प्याज, पांच अदद टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च 8 से 10, खुश्क मसाले, नमक 1.5 चम्मच, अजीना मोतो 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा 2 चम्मचे, कुटा हुआ धनिया 2 चम्मचे, काली मिर्च 10 से 15, ये 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, और ये हम आखिरी में डालेंगे जायफल, जावित्री, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम लेंगे 3 चमचे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे। अब तक लहसुन हमारा भुन चुका है, ये देखें, अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की भुनाई करते करते ये नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। 10 मिनट तक हम चिकन की भुनाई करेंगे। भुनाई करते करते ही ये जो प्याज साबुत नज़र आ रहे हैं, खुद ब खुद ये पिस जाएंगे इसी में। ये देखें, पिसना शुरू हो गए हैं हमारे प्याज। गोश और हमारा अदरक लहसुन बिल्कुल भुन चुका है, अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखें, दस मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं, अभी हमने हरी मिर्च जो कुटी है वो इसमें ऐड कर देंगे। खुश्क मसाले, दस मिनट तक इसकी और भुनाई करेंगे। दस मिनट तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे, उसके बाद 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब मसाला हमारा गल चुका है, देखें, आलू मैंने उबलने रख दिए हैं। आलू उबाल कर ही पकाना अच्छा है, क्योंकि बादी वगैरह निकल जाती है इनकी। अभी मैं दम पे रखूंगी चिकन को, उबाला आ चुका है। लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। गोश्त हमारा भुन चुका है, ये देखें, आलू हमने जो उबाले थे हम इसमें ऐड करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि आलू खाने से उनका वज़न बढ़ता है, तो हमेशा उबाल कर ही आलू इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में दर्द वगैरह भी नहीं होगा, पेट भी नहीं फूलेगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अभी हम 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। आलू गोश्त हमारे भुन चुके हैं, अब 1 गिलास पानी ऐड करके और दम पे रख देंगे।
पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। माशाल्लाह चिकन आलू हमारे तैयार हैं। अभी हमने जो ये दिखाया था मैंने जायफल, जावित्री, पिसा हुआ जीरा, पिसी हुई काली मिर्च ये इसमें ऐड कर देंगे। आलू चिकन हमारे तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोग बताते रहेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। बोल ज़रीना खातून सोफलार आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।